मेरे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि बेस करती है आपके फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के कॉन्सेप्ट के ऊपर। फाइनाइट सेट किसे कहते हैं? फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें, जबकि इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। लाइक फाइनाइट सेट की अगर मैं मिसाल दूँ, तो फाइनाइट सेट की मिसाल आपके अपने घर में मौजूद फैमिली मेम्बर्स हैं जिसको आप इजीली काउंट कर सकते हैं। मेरे हाथ में मौजूद ये मार्कर्स हैं, आप इसको इजीली काउंट कर सकते हैं। तो ये वो सेट्स हैं जो कि फाइनाइट कहलाती हैं, और वो इनफाइनाइट सेट कहलाती हैं जो आपके लिए काउंटेबल ना हो, लाइक सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर। ये सारे क्या हैं? अनकाउंटेबल हैं, यानी कि इनफाइनाइट सेट है। तो आइए हम इस क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विच ऑफ दीज सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हमें दी गई हैं। इन एग्जाम्पल्स पर हमें ये बताना है कि ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। पहला पार्ट हमारे पास है मंथ ऑफ अ ईयर। मंथ ऑफ अ ईयर सब काउंट कर सकते हैं, साल में 12 महीने होते हैं, तो दिस इज फाइनाइट सेट। इसके बाद द डेज इन अ ईयर, साल में 365 दिन होते हैं, दिस इज ऑल्सो द फाइनाइट सेट। और इसके बाद है स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, आप काउंट कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो द फाइनाइट सेट। दिस इज द सेट ऑफ इवन नंबर। सेट ऑफ इवन नंबर इनफाइनाइट है, 2, 4, 6, 8, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 मिलियन, कंटिन्यू जारी रहेगा। तो ये कौन सा सेट कहलाएगा हमारा, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, दिस इज इनफाइनाइट सेट। पार्ट 5 या पार्ट ई, इसमें आपसे पूछा जा रहा है सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट। आपको एक पॉइंट दिया गया है, एक गिवन पॉइंट है, और उस पॉइंट के ऊपर से कितनी लाइंस गुजर सकती हैं, तो इसकी क्वांटिटी भी इनफाइनाइट होगी। आप इसको भी काउंट नहीं कर सकते कि इसके ऊपर से कितनी लाइंस गुजर सकती है, लाखों करोड़ों मिलियंस लाइंस इसके ऊपर से गुजर सकती हैं। सो दिस इज ऑल्सो द इनफाइनाइट लाइन, इनफाइनाइट सेट, सॉरी। इसके बाद हमारे पास लास्ट जो एग्जाम्पल दी है सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। आपको दो गिवन पॉइंट्स दी गई है, और उन दो गिवन पॉइंट्स को क्रॉस करते हुए कितनी लाइंस गुजर सकती हैं, तो जनाब ये एक लाइन गुजर सकती है और एक ही लाइन गुजर सकती है, देयरफॉर दिस इज द फाइनाइट सेट। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3। मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।